30 अक्टूबर को सबसे पहले बार परमिशन मांगी गई। जवाब न मिलने पर 5, 12 और 20 नवंबर को उसके रिमाइंडर्स भेजे गए। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को 14, 20 और 23 नवंबर को रिमाइंडर भेजे गए, मगर हमें परमिशन नहीं दी गई। बंगाल के अंदर राजनीतिक प्रक्रिया को, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सरकार का और सत्ता का उपयोग कर दमन करने की जो परंपरा बंगाल की मुख्यमंत्री महोदया अपना रही है, मैं मानता हूं ये घोर अलोकतांत्रिक प्रक्रिया है और लोकतंत्र का गला घोंटने वाली घटना है। और मैं स्पष्ट रूप से मानता हूं पंचायत चुनाव के बाद ममता बनर्जी की नींद उड़ी हुई है, वो घबराई हुई है, भारतीय जनता पार्टी से घबराहट है, इसीलिए यात्रा को उन्होंने रोकने का काम किया है, यात्रा को परमिशन नहीं देने का काम किया है। जहां तक कानून और व्यवस्था का सवाल है, शिक्षा, सैंड, कोयला, केटल, इस सब जगह पे माफिया काम कर रहे हैं, बंदर पर भी, पोर्ट पर भी माफिया काम कर रहे हैं और तृणमूल के मंत्री इसको पनाह देने का काम कर रहे हैं। राज्य में आज जगाई और मधाई हर जगह दिखाई पड़ते हैं। जगाई और मधाई एक प्रसिद्ध नाम है जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु पर हमला किया था। रोहिंग्या का घुसपैठ हो और घुसपैठ हो, सब घुसपैठ को सरकारी तंत्र के आशीर्वाद प्राप्त हैं।